देखने वाले साथियों को ये मालूम होना चाहिए कि अभी हमें फिर क्यों निकाल दी है। इसका मकसद ये आज जो हमें आज़ादी का दिन है, जो शहीद आज़ादी पाकिस्तान है, इसी हवाले से हमने अपने घर के अंदर ये महफिल मनाने के लिए, खुशी के इजहार के लिए आकर इस मेहमानी का इंतजाम किया है। और देखने वाले सब साथियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इसको जो आ सकते हैं मेरे घर के शरीफ ले आएंगे, मंजिल पर जो नहीं आ सकते फेसबुक पर देखें शेयर करें। और अब मैं दोबारा आपकी अदालत पेश करने के लिए सना खान रसूल आफिर लश्कर मीना साहब से दावत दूँगा। ये बहुत ही प्यारी आवाज़ है, हमारे लिए मुस्तफ़ी फरमाएंगे। जो सुन 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 के आ रहे हैं, मगर
होलिया जमाने जो सुर सुन सुन के आ रहे बहुत लग पर ख्याल दिल में रश्काम को आ रहे मैं सख्त मायूं सुनो चुका था कि वो से आजम पुकार उठे सख्त मायूस हो चुका था कि वो से आजम पुकार उठे मैं सख्त मायूस हो चुका था कि वो से आजम पुकार उठे मेरे गुलामों पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाक वतन का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह पाक वतन का मकसद क्या ला इलाहा इल्लल्लाह हम हैं पाकिस्तानी अल्लाह की मेहरबानी हम हैं पाकिस्तानी अल्लाह की मेहरबानी बुनियाद हमारा इसके पढ़ने पढ़ाने में किसी किस्म की गलती को लाई हो चुकी है उसको माफ़ फरमा या मालिक मौला इस तमाम का सलाम तमाम वो मुसलमान जो इस वतन अजीज़ को हासिल करने के लिए शहीद हो चुके हैं गिरोह को बचा या मालिक मौला उन तमाम की मफ़रत फरमा दे या मालिक मौला उन तमाम को जन्नत मुकाम अता फरमा या मालिक मौला इस वतन अजीज़ की हिफाजत फरमा या अल्लाह इस वतन अजीज़ की सरहदों की हिफाजत फरमा या मालिक मौला इस वतन अजीज़ में या अल्लाह इस वतन अजीज़ में रहने वालों को इत्तेफाक और इत्तेहाद से जीने की तौफीक अता फरमा या मौला या मालिक मौला इस वतन अजीज़ में निज़ाम मुस्तफ़ा का इन्फाज फरमा या मालिक मौला हम सब को नेक बना या मालिक मौला इस दिन के तवसल से मालिक मौला
ملک پاکستان کی حفاظت فرما، یا مالک مولا اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا مالک مولا جہاں کہیں مسلمان تیرے نام سر تیرے نام پر ہر سر پہ قائم، سب کو فتح و مسلط عطا فرما، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ چچنیا بوسنیا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا مالک مولا تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت میں صرف فرما، یا مالک مولا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بھرنا، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.